हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, देखो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर, और आज अचानक से प्लान बना बाहर जाने का। तो अभी अभी वीडियो अपलोड हुआ है, और हम लोग मैं वीडियो का ही वेट कर रही थी वीडियो अपलोड होने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन होता है अगर बाहर जाते हैं ना तो वीडियो अपलोड ही नहीं होता है, तो इसी वजह से। और फिर आप लोग वेट करते रहते हो, और रात को अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा रात को अगर वीडियो अपलोड होता है ना तो फिर कोई देखता नहीं है यार। इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो के लिए और फिर कोई देखता ही नहीं है। और इसका ना हमेशा का ही होता है कि जब भी बाहर निकलते हैं हम लोग रोने ही लगता है। ये क्या, सिर्फ कपड़ों के लिए? हाँ, क्या चाहिए उसको? अनानास चाहिए। क्या? अनानास। पाइनएप्पल? नहीं ना, अनानास मतलब अनार। हाँ, अनार। माही अनानास बोलते हैं। अरे सॉरी, अनार अभी जाते जाते ले लेंगे हम, ठीक है? अनार ना जाते जाते ले लेंगे, ठीक है? वरना ना पाइनएप्पल इसको और ये दोनों भी पागल है, दोनों के दोनों। हाँ, पावर बैंक ले लो तो। अरे मुझे बताने तो दो हम लोग कहाँ जा रहे करके। इनका रोना धोना ही स्टार्ट हो जाता है यार, मतलब कई बार भी बाहर निकलने जाते हैं तो रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा के जैसे मेरे यहाँ पे टावल, तो ना हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे मतलब हम लोगों को भी नहीं पता है कौन से गार्डन जा रहे हैं, बट गार्डन जा रहे हैं। और बाहर से ही पार्सल वगैरह ले लेंगे, खाना वगैरह वहां पे ही खाएंगे गार्डन में, मतलब रेस्टोरेंट में। आज ना रेस्टोरेंट में जाने का मन था, मतलब ऐसे ही ये बोल रहे थे कि घर पे खाना मत बनाओ, हम लोग बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पर पाउडर लग गया है यहाँ पे बालों में, इसीलिए व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मुझे अभी तक दिख नहीं रहा था। तो ये लोग ये बोल रहे थे कि बाहर जाते हैं खाना बना मतलब खाना मत बनाओ, कि बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो बाहर नहीं जाएंगे, ये माही का मन था कि कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे ऐसी। तो हम लोगों ने सोचा चलो फिर रेस्टोरेंट जाने से अच्छा है कि बाहर हम लोग पार्सल ले लेंगे हम लोगों ने घर से, जैसे पिकनिक टाइप का एक, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह नहीं है इतनी ज़्यादा अच्छी, तो गार्डन वगैरह देखेंगे छोटा सा ऐसी। तो घर से कुछ मतलब प्लेट्स वगैरह हम लोगों ने ले ली है, तो वहाँ से पार्सल ले लेंगे। और मैंने जीरा राइस बना लिया है अपना, मतलब जो मैं जीरा राइस बनाती हूँ होटल जैसा, मैंने आपके साथ शेयर की है रेसिपी ऑलरेडी। अगर आपको चाहिए हो, दूसरे मतलब जो न्यू ज्वाइन हुए अगर आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने जीरा राइस बना के ले लिया है साथ में, और सिर्फ वहाँ से पार्सल ले लेंगे होटल से, और वहाँ पर जाएंगे कहीं पर भी और खाना खाएंगे, और अब थोड़ा सा बाहर घूमेंगे भी। तो चलिए फिर आप भी साथ में आ जाइए, और देखते हैं कहाँ जाते हैं। और पता नहीं अभी घर से तो डिसाइड नहीं किया है, बट जहाँ भी जाएंगे आप लोग साथ में आओगे। और चलिए फिर निकलते हैं, गाड़ी निकाल ली ना पापा ने। हाँ। तो चलो सामान डालना। हम यहाँ पर रुक गए, और श्रीकांत का वेट कर रहे हैं, भाई का वेट कर रहे हैं बस। वो अभी उसका ऑफिस खत्म हो चुका है, तो वो उसके ऑफिस के सामने हम लोग खड़े हैं, और बस वो आने वाला होगा। दिख रहा है क्या मामा आपको? नहीं, बस आने वाला होगा, थोड़ी देर वेट करेंगे। वैसे उसको कॉल कर दिया है हमने, और यहाँ पर है अद्वी। कब से लो ला था अद्वी? अरे अद्वी का जर्किन भी नहीं लिया हमने, जाने दो, ले लेंगे हम, ब्लोर लगा लिया। वो देखो भाई आ रहा है, भाई आ रहा है, भाई आ रहा, भाई आ रहा, सबका भाई। ये नहीं कड़े, ये दादा है। Thank you.
दूसरे कौन से हैं? और है ना। हे गाइस, आज है नेक्स्ट डे और ना हाँ कल हम लोग गए थे शॉपिंग करने, जैसे कि आपने क्लिप में देखा। तो पहले उधर गए थे, फिर हम लोगों ने एक गार्डन में खाना खाया। तो इसी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत अंधेरा था, मतलब ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह नहीं नहीं था, तो इसी वजह से हम लोगों ने शूट वगैरह नहीं किया कुछ भी। फिर हम लोग घर पे आए तो बहुत लेट हो गया था, तो इसी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, मतलब ये नहीं किया। मैंने सोचा चलो आज करती हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं दोबारा से मार्केट, मतलब मैं और माही, सॉरी माही बोल रही हूँ माही यहाँ पे है, तो मैं और यही जा रहे हैं। अद्विक सोया है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है यार बाहर, अद्विक सोया है। और हाँ, पिछले ब्लॉग में सभी ने बोला था कि अद्विक को मिस कर रहे हैं, अद्विक को मिस कर रहे हैं। हमें डर लगता है कि बाहर अद्विक को लेके जाओ और अद्विक को जुकाम हो जाए ना, तो फिर बच्चों का जुकाम जल्दी ठीक नहीं होता है, तो इसी वजह से ना बाहर लेके जाने का मतलब मन तो करता है, बट थोड़ा सा बच्चों का सोचना भी पड़ता है। तो इसी वजह से हमने बाहर उस दिन न्यू ईयर के दिन तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब 1 तारीख को, मतलब परसों बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इसी वजह से हम लोग लेके नहीं गए थे उसे। और आज भी उसे वो सोया ही है, तो इसी वजह से माही को बोला कि उसको संभाल लो करके। तो हम लोग जल्दी से चले आते हैं, कुछ सामान लेना है वो भी लेके, और कुछ काम भी है वहाँ पे। तो ये मेरा वेट कर रहा है और मैं आपसे बातें कर रही हूँ अंदर ही। तो चलो शू पहन लेती हूँ पहले, फिर बाद में चलिए फिर चलते हैं। आ गए हैं घर पे और काफी सारी शॉपिंग की आज, मतलब वो मैं शॉपिंग आपको दिखा देती हूँ कि मतलब क्या क्या लिया है हमने। कल भी गए थे तो कल काफी सारी शॉपिंग हुई, क्योंकि माही का बर्थडे आने वाला है, अगले महीने माही का बर्थडे है, तो उसके लिए शॉपिंग करनी थी। तो कभी इनको टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो इसी वजह से ना मतलब जब भी टाइम मिलता है तो हमें मतलब हम चले जाते हैं मार्केट में। और अगले महीने का इस महीने में लेके आए हम लोग, मतलब अगले महीने काम है, बस इस मैंने लेके आया। और विंटर्स ना मतलब इससे पहले विंटर्स इतना ज़्यादा मतलब ठंड नहीं पड़ती थी यहाँ पे, तो इसी वजह से विंटर्स के कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतनी ज़्यादा, मतलब जो थे हमारे पास तो वही चल जाते थे। बाहर भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, अंदर तो बिल्कुल लगता नहीं था, बट बाहर तो दोपहर में वगैरह नहीं लगता था, रात को ही ठंड लगती थी थोड़ी सी। बट इस साल ना बहुत ज़्यादा ठंड है, तो थोड़ा सा जब भी हम लोग बाहर जा रहे तो मतलब विंटर्स के कपड़ों की जरूरत पड़ रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने जैकेट वगैरह लाया इस साल। तो अद्विक के पास ऑलरेडी 2 जैकेट थे, तो थोड़ा सा एक और जैकेट लाया कल, जैसे कि आपने कम्युनिटी में मैंने पिक डाला था, तो उसमें मैंने ये वाला जैकेट आप उसको पहना के देखा था, तो उस टाइम मैंने पिक निकाला था, तो ये वाला जैकेट लाया है अद्विक के लिए। तो काफ़ी वार्म है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसी वजह से यही पसंद आ गया था हमें, तो ये ले लिया। और कल ना माही के लिए काफ़ी सारे हमने जैकेट देखे, बट हमें पसंद नहीं आया था, तो इसी वजह से यहाँ पर ना एक जैकेट के लिए, जैकेट या मतलब विंटर्स के क्लॉथिंग के लिए ना एक अलग से शॉप है, तो उस शॉप में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, मतलब क्वालिटी के मिलते हैं, तो इसी वजह से हम लोग आज जाके आए वहाँ पे। और हम लोगों ने देखा तो ये वाला हमें पसंद आ गया वहाँ पे जाके, तो ये वाला माही के लिए लिया है, लॉन्ग जैकेट है। और
ये वाला लिया है क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वॉशेबल है और काफी ज्यादा अच्छा है, तो इस वजह से ये वाला लिया है उसके लिए, हाँ विंटर्स के लिए। और कल ना उसके बर्थडे के लिए लेके आए थे हम, और मेरा दिखाती हूँ मैं जैकेट आज लिया है, ये लॉन्ग कोट है एक्चुअली, तो ये बट यार बहुत ज्यादा महंगा था, तो इसी वजह से मुझे मतलब ऐसा लग मतलब लग नहीं रहा था कि ले लूँ करके, बट ये जिद कर रहे थे कि ले लो ले लो ले लो, तो इसी वजह से ले लिया, बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था और मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब ज्यादा अच्छा लग रहा था, बोल अच्छा बहुत लग रहा था, तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि नहीं आप ले लो ये जैकेट, बट फिर फाइनली ले लिया क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड नहीं रहती और इस साल ठंड है, पता नहीं अगले साल ठंड होगी या नहीं होगी, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इसी वजह से मेरा मन नहीं कर रहा था इतना महंगा लेने का, बट ले लिया फाइनली, अब क्या करे। तो इसकी जो डिजाइन है वो स्लीव्स पे कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा वेलवेटी टेक्सचर है इसका और काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इस पे बूट्स वगैरह पहनो तो काफी ज्यादा सुंदर लगेगा, माही इस तरह से है ये, तो माही ने भी नहीं देखा है अभी, जस्ट आई हूँ मैं और मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड करती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि ये सारे आइटम, मुझे जरूर बताना आपको मेरा जैकेट और माही का और अद्विक का कैसे लगा, मतलब चाय ले लेती हूँ पहले फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि गर्म है चाय और मुझे आपको पता है कि चाय गर्म ही पसंद है। चाय पीना हो गया है तो अब आती है कल के कपड़ों की बारी, जो कल हमने कपड़े लिए थे, तो कल कुछ अद्विक के लिए पैंट्स लिए थे सिंगल, मतलब ये है एक कार्बो, मतलब कार्बो बोल रही हूँ, ये जॉगर टाइप का है एक, और एक ये है और एक अभी अद्विक ने पहन लिया है, तो वो करके उसको साइलेंट पे करो फोन को, अरे तो ये दो है और एक है, और तो तीन अद्विक के लिए लिए हैं और फिर ना माही के लिए, तो माही के लिए ये एक सिंगल स्कर्ट लिया है, ये कुछ इस तरह से है, सिंगल स्कर्ट है ये, तो अभी नहीं पहन पाएगी वो, फिर माही के लिए लिया है एक ये वाला जीन्स, इस कलर का माही के पास जीन्स नहीं था, तो इसी वजह से ये कलर मुझे काफ़ी दिनों से लेना था, मतलब क्या बोलते हैं इसे, क्रीम कलर है ये, तो ये लेना था और इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है कमर पे भी और इसके, तो इसी वजह से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो इसीलिए लिया ये, और फिर इसी कलर का कैफ्री अच्छी लगी थी, तो इसी वजह से इसी कलर की कैफ्री ली ये वाली माही के लिए, अच्छे से नहीं दिख रहा यार ये, हाँ ये दिखे, इसके नीचे ये क्या बोलते हैं रफल टाइप का है डिज़ाइन, तो इस तरह से, तो ये वाली कैफ्री ली है, फिर दो ड्रेस लिया है इसके लिए, ये वाला ड्रेस है ये कुछ इस तरह से है, इसको मतलब इसका जो टॉप है वो कुछ इस तरह से है और फिर इसके नीचे का कुछ इस तरह से है, सॉरी, तो ये कुछ इस तरह से है, तो ये है एक ड्रेस माही का और फिर दूसरा ड्रेस है ये, इसका ये जैकेट है और इसका ये क्या बोलते हैं इनर है और ये इसका प्लाजो है, और माही को प्लाजो ही चाहिए था, प्लाजो 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 कर रही थी, तो फाइनली माही को प्लाजो मिल गया, बस इतनी शॉपिंग हुई है कल की, तो ये नहीं दिखा, तो ये एक सिंगल टॉप लिया है, स्लीव्स है वो कुछ इस तरह से है और ये क्रॉप टॉप है, तो ये लिया है एक, बस इतना ही लिया है, और इनके लिए लेके आए हैं, मतलब इनके लिए ऐसे ही लेके आए हैं ये जैकेट, अभी इनका नहीं दिखाऊंगी आपको, तो बस इतनी शॉपिंग हुई है आज, और आई होप आपको ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी और आज का ब्लॉग ये छोटा सा आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़ हॉल वीडियोज़ मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ, और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।